हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल टावर रिसीवर यूजिंग द हेलियोस्टेट मिरर के बारे में। सबसे पहले हम इसके डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ये होता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, मतलब ये एक मिरर होता है, एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर होता है, इसे हम हेलियोस्टेट कहते हैं। ये ग्राउंड लेवल पर डाला गया होता है। सेंट्रल में एक टावर होता है, उसके ऊपर रिसीवर होता है। जब सोलर रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक होती है, ये नंबर्स ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर उस सोलर रेडिएशन को एक सिंगल पॉइंट पे रिफ्लेक्ट रिसीवर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं और फोकस करते हैं, और ये सारी रेडिएशन, उस सारी सोलर रेडिएशन को रिसीवर सक करने का काम करता है। ये होता है इसका मेन पर्पज। अब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इट केस ऑफ द सेंट्रल टावर रिसीवर कलेक्टर, द रिसीवर इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ टावर। मतलब रिसीवर लोकेट होता है टॉप ऑफ टावर, ये रिसीवर है टॉप ऑफ टावर लोकेटेड होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस सिस्टम आर द इक्विवेलेंट टू द वेरी लार्ज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मिरर्स। मतलब इस सिस्टम के अंदर वेरी लार्ज पैराबोलिक मिरर्स यूज होते हैं। इन दिस सिस्टम आर लार्ज नंबर्स ऑफ मिरर्स ओवर द स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड। मतलब नंबर्स सिंपल है फ्रेंड्स, अगर लार्ज नंबर्स ऑफ मिरर होंगे तो लार्ज मतलब मोर स्पेस इसको लगेगा, मतलब मोर स्पेस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट होता है दिस मिरर्स आर द इंस्टॉलेड ऑल अराउंड द सेंट्रल ऑफ टावर। मतलब सेंट्रल ऑफ टावर के ऑल अराउंड नंबर्स ऑफ मिरर्स होंगे और सेंट्रल में टावर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो अप टू द 3000 कैन बी अचीव विद द इन दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम। मतलब इस सिस्टम के अंदर 3000 तब कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ये अचीव करता है। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में देखेंगे। वर्किंग, वेन द सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट विद द हेल्प ऑफ नंबर्स ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। नंबर्स ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के थ्रू सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगी। मतलब यहाँ से या और यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सोलर रेडिएशन आर द फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड एट द सिंगल पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टर। मतलब वो सोलर रेडिएशन को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। सिंपल है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट है हमारा, रिसीवर इज द कलेक्टिंग द सोलर रेडिएशन एंड यूज द एप्लीकेशन। मतलब जो सोलर रेडिएशन को यूज होता है वो डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज करेगा रिसीवर, फॉर एग्जांपल वाटर बॉइलिंग ETC। ये क्वेश्चन बार बार आता है, मोस्टली 6 मार्क के लिए और मोस्ट टाइम भी। थैंक यू फ्रेंड्स।